नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है। मैं डायरेक्टर हूँ मिशन मुक्ति फाउंडेशन का, दिल्ली से। कल रात को 11 बजे करीब हमारे पास इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा जी, जो कि SSB में पोस्टेड हैं रक्सौल बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर, उनकी तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि एक नेपाल की महिला को कोई तस्करी करके वाया दिल्ली वाया जयपुर स्पाइस जेट की फ़्लाइट से दुबई में तस्करी करने के फिराक में है, जिसको समय रहते रेस्क्यू करना बहुत आवश्यक है। जिसके तुरंत बाद हमने DCP ईस्ट और जयपुर DCP ईस्ट और SHO दिखपाल जी से, एयरपोर्ट से हमने बात की और उनको सारी जो डिटेल्स थी वो मुहैया कराई गई। DCP साहब का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तुरंत उन्होंने SHO को डायरेक्शन दिया कि इन महिलाओं को सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाए एज सुन एज पॉसिबल। जिसके बाद तुरंत सवेरे 4 बजे हमारे पास एयरपोर्ट पुलिस का फ़ोन आया आने का, जिसमें बताया गया कि महिला को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम थी तो तुरंत हमें बताया गया। इसी बीच हमने रात को ही नेपाल एम्बेसी में SSP उमा चतुर्वेदी जी को भी संपर्क कर लिया था। उन्होंने इमिग्रेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया था, मेल कर दिया था कि इनको जो है क्लियरेंस ना दिया जाए, इसके NOC को, इसके वीज़ा को क्लियरेंस ना दिया जाए और तुरंत एयरपोर्ट पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए, रेस्क्यू किया जाए इसको। जिसके बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज किया गया आफ्टर रेस्क्यू, जिसमें कि SSP साहब को हमने लाइन पर लेकर के, नेपाल के जो SSP उमा चतुर्वेदी जी, महिला से बात काउंसलिंग कराई गई, जिसमें महिला ने बताया कि उसको नौकरी का झांसा देकर दिल्ली लाया गया था। दिल्ली से वाया जयपुर होते हुए उसको दुबई भेजने की फिराक में थे, ट्रैफिकिंग करने की फिराक में थे, और महिला जो है रेस्क्यू होना चाहती थी। इसने जैसे इसको मौका मिला तुरंत इसने अपने परिवार में अपने देवर से संपर्क किया और देवर से मदद मांगी कि मुझे दुबई में ट्रैफिकिंग करने की फिराक में है ये तस्कर और मुझे इनसे रेस्क्यू कराया जाए, मैं दुबई नहीं जाना चाहती। जिसके बाद तुरंत देवर ने SSB के इंस्पेक्टर साहब से संपर्क साधा और जिसके बाद SSB के इंस्पेक्टर साहब ने मिशन मुक्ति को कांटेक्ट किया दिल्ली में, और जिसके इन्फॉर्मेशन के बाद ये सारा आज सवेरे महिला को रेस्क्यू किया गया, साथ में एक और महिला को रेस्क्यू किया गया, दोनों को नौकरी झांसा दे करके दिल्ली से नेपाल से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर ला करके दुबई भेजने की फिराक में तैयारी में थे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जयपुर पुलिस के DCP ईस्ट और SHO एयरपोर्ट साहब का, जिन्होंने समय रहते इस महिला को तस्करी होने से बचा लिया। धन्यवाद सर। नेपाल की तस्करी की जा रही थी लड़कियों की, किस तरह की कार्रवाई है, क्या सूचना मिली थी पुलिस को? मुक्ता फाउंडेशन और SSB के इंस्पेक्टर राकेश शर्मा जी, इनके द्वारा जरिए टेलीफोन इतला दी गई थी रात को 11-12 बजे के बीच कि नेपाल से कुछ बच्चियों को दिल्ली और जयपुर के रास्ते जरिए फ्लाइट मिडल ईस्ट दुबई में तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर हमारे थाना अधिकारी दिखपाल सिंह जी ने मौके पर पहुंच के CSF के साथ कोऑर्डिनेट करके और जो बच्चों को ले जा रहे थे उनको वहाँ से रेस्क्यू किया। NGO के लोग आ गए साथ में थे, थाने पर लाए गए और उनसे परिवारजनों को सूचित किया गया कि आपके बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है, जो भी रिपोर्ट कार्रवाई जो भी आप करवाना चाहें पधारें। वो अभी उनके परिवारजनों का टेलीफोन आया कि साहब 2 दिन आप इसको किसी शेल्टर होम में रखवा दें, हमें पहुंचने में 2 दिन लगेगा, आज शायद परिवारजन पहुँच जाएंगे, तब नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर एक बड़ा रैकेट है, ज़रूरी है इसके सरगना तक पहुँचने की, इस तरह के कई सारे मामले बैंकॉक नेपाल, उसमें NGO भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं। एक बार परिजन पहुंच जाते हैं, अभी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है और परिजन आने के बाद जैसे भी हमें बताएंगे, बातचीत होगी, उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, जो भी रैकेट होगा खुलासा किया। सर क्या क्या इनको लाया गया था, किस तरह से? अभी तक की जो बातचीत आई थी, जो परिवार वाले जो लोग मुझे बता रहे थे, उसके हिसाब से इनको दुबई में जॉब का कह के नेपाल से दिल्ली लाया गया था। जब उन्होंने दिल्ली आके मना किया तो उनको डरा धमका के जबरदस्ती एयरपोर्ट पे। कोई मौजूद था साथ में? इसमें CSF का हमने कोऑर्डिनेशन लिया था और CSF ने इसमें सहयोग किया। ठीक है सर।